सुभाष जी, नहीं आए हैं सर, कॉल करूं उनके पास या मैसेज ड्रॉप करूं सर दोबारा से? जी गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, डॉक्टर सुमित, अदर फैकल्टी मेंबर्स, रेस्पेक्टेड वाईआरसी काउंसलर्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड वाईआरसी वॉलेंटियर्स, एज वी नो टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट थ्रू अ वेबिनार वर्ल्ड नो टोबैको डे. सो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर प्रिंसिपल सर काइंडली ग्रांट अस परमिशन टू स्टार्ट द वेबिनार. जी सुभाष जी, यू कैन स्टार्ट प्लीज. थैंक यू सर फॉर परमिशन. वेलकम डॉक्टर सुमित, ऑन बिहाफ ऑफ अग्रवाल कॉलेज मैनेजमेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स, काउंसलर्स, वी हार्टली वेलकम यू टू अवर वेब. ओवर टू डॉक्टर सुमित. A brief introduction about myself. Myself, Dr. Sumit Yadav, MS Orthopedics. I am presently working in a multi-specialty hospital in Gwalior. Subhas is my childhood friend. He requested me to come on this platform, and I also had a chance to give aware about tobacco and its side effects that affects our body physically, mentally, and even in daily life strata, financially. So I got a good chance to speak on tobacco. Basically, we will not much focus on data, but we will concentrate on in clinical practice. What I have seen in last 12 to 13 years in my clinical practice. Basically, today's day is World No Tobacco Day. बट टोबाको इन इंडिया, अगर अपन पीछे के सिनेरियो में जाएं तो पहले थोड़ा अडल्ट एज या ओल्ड एज में टोबाको स्मोकिंग या फिर टोबाको एडिक्शन का चांसेस ज्यादा थे, बट अभी अर्ली अडिक्टर्स आर मोर, मतलब चाइल्डहुड से ही टीन एज से ही एडिक्शन चालू हो जाता है. ये ही सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक्चुअली the thing that matters in tobacco addiction is the duration. If the duration is more, if someone start using tobacco in early age, like in teenage, then he continues to use that tobacco for longer time, for more than 13 years, 15 years, 20 years, 22 years, then chances of getting harmful effects are more than a shorter time duration. Like oral cancers, throat cancers, lung cancers, and अभी लोगों को इस कोविड पैंडेमिक में लंग्स की वैल्यू ज्यादा पता चली होगी कि भाई टबाको स्मोक करके हम अपने लंग खराब कर लेते हैं. अभी लंग का कितना ही बड़ा रोल इस महामारी के अंदर, कि जिसके लंग्स खराब हैं वो दोज पीपल्स आर सफरिंग वेरी बैडली, मतलब वेरी बैडली, कि unfortunately we are also not able to save them. So first we will discuss about the harmful effects. Basically, tobacco only doesn't affect you harmfully, like only your body, not only your body, ki aapko cancer ho jayega kal, aage jaake aur body mein harmful effects ho jayenge, but it tobacco harms you psychologically also. कि आपका एक एटीट्यूड जो रहता है वो चिड़चिड़ापन होना, बॉडी को मतलब दूसरों के सामने प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी चिड़चिड़ापन लगना, फिर उस चीज की एडिक्शन हो जाती है, तो आप रूटीन एक्टिविटी में भी उसके लिए एडिक्ट हो जाते हो. इसीलिए मेरा एक बेसिक सा मैसेज ये है कि आप उसको ऐसे मतलब कि वो केवल आपकी बॉडी को एज ए हार्म करेगा कि भाई चलो वो तो 4 साल, 5 साल, 6 साल में जो होगा देखा जाएगा. नहीं, वो नहीं है. आप जब से लेना चालू करते हो, आफ्टर सम टाइम ही उसके साइड इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं. आपको साइकोलॉजिकली परेशान करने लग जाता है, आपको फाइनेंशियली तो करता ही करता है. अभी टीनएजर्स का एडिक्शन चालू हो जाता है, टीनएजर्स अर्ली एज में एडिक्ट हो जाते हैं टबाको को लेके, तो फिर उनका डी एडिक्शन
डी-एडिक्शन रिहैब सेंटर्स बहुत, दैट इज मतलब नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक बार एडिक्शन होने के बाद में. तो सबसे इम्पोर्टेंट इस एस्पेक्ट को मैं इसी चीज लेके जाऊंगा कि मैं कोशिश करूंगा, मेरा फोकस रहेगा कि यूथ को एडिक्शन, टोबाको एडिक्शन के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टोबाको एडिक्शन आपको बिहेवियरल, फिजिकल, मेंटल सभी तरीके से अडिक्ट कर देता है. और वो एक लिमिट के जाने के बाद में टोबाको का डी एडिक्शन बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, मतलब नियरली अबाउट 1-2% ही पीपल्स डी अडिक्ट हो पाते हैं इन रिहैब सेंटर्स आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन फ्रॉम साइकेट्रिस्ट और एवरीथिंग, बट मतलब मोस्टली पीपल्स रीस्टार्ट इट अगेन. तो सबसे बेस्ट चीज है कि हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिक्शन. तो एडिक्शन में बेसिकली क्या होता है कि टोबाको के अंदर जो वो रहता है, ये अपने ब्रेन के रिसेप्टर्स पे काम करता है, और ब्रेन के रिसेप्टर्स धीरे 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 इतने सेंसिटाइज हो जाते हैं टोबाको के लिए कि उसका फिर इफेक्ट बॉडी पे आना शो कर देता है कि भाई अभी मैं टोबाको यूज नहीं करूंगा तो नींद नहीं आएगी, मैं अपना कुछ प्रेजेंटेशन दूसरों के सामने प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा टोबाको के बिना. फिर धीरे धीरे बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है कि मेरे के अंदर अलर्टनेस नहीं आएगी ऐसा. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस चीज से तो दूर रहा जाए, तो वो सबसे ही बेस्ट है. आपको फिजिकली तो हार्म करता ही करता है. सबसे ज्यादा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या पर्सनल जो पेशेंट्स डी एडिक्शन सेंटर्स में आते हैं इन, मतलब इट्स नॉट माय फील्ड बट इन MBBS वी हैव सीन द पेशेंट्स इन साइकेट्री जो डी एडिक्शन सेंटर्स में रहते हैं, वो इतनी बुरी तरह से मेंटली और फिजिकली अडेप्ट हो जाते हैं टबाको के लिए कि वो टबाको को फिर दे आर नॉट एबल टू लीव इट एट एनी कॉस्ट. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे, मतलब अगर कोई टबाको, और फिर दूसरी चीज अपन करें कि हाँ किसी को हैबिट है कि यूजुअली यूज टू टेक 3 or 4 सिगरेट्स और टबाको चीविंग कुछ भी करता है, तो उसको आप एक पीरियड, ओवर द पीरियड क्या है वो ब्रेन पे काम करता है, आप उसको एकदम से अगर जैसे भाई आज आपने यूज करना चालू किया और 5 दिन के बाद आप ये सोचो कि नहीं आज से मैं तो टबाको यूज नहीं करूंगा, वो पॉसिबल नहीं होगा. ये एक डी एडिक्शन का जो प्रोसेस होता है ये ग्रेजुअल होता है, मतलब आप थोड़े दिन उसको यूज कर रहे हैं, फिर आप उसको थोड़ा सा कम करके, और इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गुड साइकेट्रिस्ट यू कैन इजिली गेट डी एडिक्टेड फ्रॉम इट. और you can use yoga, you can use meditation to relieve from this, or you can improve your self motivation from yoga and meditation. To aap is cheez se aaram se bahar aa sakte hain. Abhi aisa hi hai ki hum cancer ka prevalence pehle India mein bahut kam tha jab tobacco chewing ya fir tobacco smoking kam tha. Abhi cancer ka prevalence itna common hai, even I have seen the patients of the age of 23 or 24 get operated from tongue cancer, mouth cancer, or mandible cancer. Half of their, in our doctor language, we said ki that is commando operation in which half of the mandible is removed. Then life get miserable. Larynx cancer, lung cancer, and even not only respiratory pipe, it also affect our gastrointestinal tract, having Crohn's disease or ye, matlab tobacco has multiple side effects. So today on this day, I matlab, my personal message to everyone is that ki if you can prevent these things from the first day, so that is okay, and if you are already taking the tobacco, then get de-addicted it from slowly, gradually, then you are able to come out of it easily, very easily. It's not hard today's scenario because it is very, matlab rehab centers hain, you can visit your psychiatrist easily, you can take psychiatric counseling, you can take much information from internet also ki how I can get de-addicted from the tobacco. Even if you matlab abhi aajkal promotion hota hai कि भाई पान मसाला अलग मिलता है, टबाको की पुड़ी अलग मिलती है, बट वो पान मसाला भी पान मसाला नहीं है, एक्चुअली इट कंटेन्स सुपारी, और सुपारी से जो है, सुपारी इज द मेन इटियोलॉजी फॉर ओरल कैंसर्स एंड थ्रोट कैंसर्स. तो ये इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट, हर चीज का ही एक समय के बाद में एडिक्शन हो जाता है, और आपको एटलीस्ट इसको फर्स्ट तो नॉट टू यूज इट,
If you are using it, then go de-addict it slowly. My humble request to all, or my today's message on this World No Tobacco Day is this: we should de-addicted from it. Where slowly you are able to come out from this easily, because nowadays how much importance of this is. People are using cigarette smoking or BD smoking. Their lungs are damaged totally. In present scenario, if anyone got infected from COVID in such kind of situation, his lungs are already gone. Matlab, there are emphysema or no alveolis are left. Then if he got infected, then outcomes are very poor, very poor. Matlab, we are not able to even save such people. So hello? Yeah. Hello, Subhash. So today's my message is all clear about it. But you, tobacco smoking is very common. But my message of today's talk is that you should be addicted from this, and you can easily be addicted. Talk to your friend, any doctor friend, or take to psychiatrist. Which way it is available? Today's online consultation is available. Everything is available. So, hello? Yeah. Yeah, you can pass on mic to anyone. Now I have to go for surgery. Theek hai? Yeah, hello? Yeah. Thanks. Yeah. Thanks to principal, sir, and all the respected faculties for giving me such an opportunity to speak on the behalf of this day. And I am not having expertise on this field, but Subhash said me to speak on No Tobacco Day. So what I experience I had, I have said to all. Thank you very much. Thank you, Lok Sahab. Aapne bahut easy way mein, जिसको कहते हैं देसी भाषा में, हमारे बच्चों को और कुछ सिंपलेस्ट तरीके से अपने, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में जो टोबैको और नशे की समस्या जो है रूरल एरियाज में ज़्यादा है. हमारे साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं. तो आई होप एंड अश्योर यू दैट आवर स्टूडेंट्स विल your suggestions. Over to our principal, sir. Bachi, Rakshab aaye kya? Yes, sir. Sir, abhi to nahi dikh rahe, sir. Yes, sir. Abhi Randeep ji nahi aaye kya? Rana sir, nahi join. Nahi, unka koi reply message bhi nahi dikh raha. Chaliye, ek baar baat kar lijiye. मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर सुमित यादव का. बता ही रहे थे कि सुभाष जी के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं आप, तो आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज इस प्लेटफॉर्म. थैंक यू सर. Tobacco is an abuse, I can say. दुष्परिणाम है उनके बारे में चर्चा की और बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया. नहीं तो what usually I find that the people talk of very big and very high and do not understand that. वो कहते हैं ना सिर के ऊपर से निकल जाती है चीजें. मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों और सभी साथी जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनके मन और मस्तिष्क को इस बात को छुआ होगा. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो स्मोकिंग कर रहा है, जो सिवियरिटी ऑफ जो डेलिटेरियस इफेक्ट है वो उस पीरियड पे भी डिपेंड करता है और आदमी साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली इससे वीक होता है, बीमार होता है. और कोविड 19 ने तो सबको ये बता ही दिया है और आई थिंक इन द टाइम टू कम सम रिसर्च विल आल्सो कम आउट कि जो
वो बहुत ज्यादा हुआ और पचने की जो संभावना रही होगी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, खुदा ने खास से यदि उनको कोविड हुआ होगा तो वो बहुत कम रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। यस सर दैट्स राइट। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूं और भौतिकी मेरा विषय है। यस सर। तो मैं सभी विद्यार्थियों से और साथियों से एक बात ये साझा करना चाहता हूं कि तंबाकू में ऐसी क्या चीज होती है जिससे कि ये लंग कैंसर क्रिएट करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि तंबाकू में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है पोलोनियम 210। Yes, yes. जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 254 डिग्री सेल्सियस होता है और यूजुअली इन नॉर्मल स्टेट इट इज इन मेटालिक स्टेट, परंतु जब आदमी सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है तो उस समय उसको मारता है उसका, तो जब जो हीट जनरेट होती है उससे ये जो स्टेट में पोलोनियम 10 होता है ये इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेट होके आइदर इट इज सक इनसाइड द बॉडी और इट कम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जब वो एक्सहेल करता है उस स्मोक को, दैट वे जो लोग उसके पास बैठे हुए होते हैं तो वो भी उस स्मोक को लेते हैं, व्हिच यू कॉल इट पैसिव स्मोकिंग, और जो आदमी डायरेक्ट स्मोक कर रहा है उसके भी विंड पाइप के थ्रू वो जाता है और वो पोलोनियम जब अंदर विंड पाइप में जाके जो आप कह रहे थे लंग्स की जो डिफरेंट ब्रांचेस होती है एल्वियोलाइज एंड ऑल दैट उसमें जाकर ठंडा हो जाता है और वहां सेटल हो जाता है। जब सेटल हो जाता है तो बाई टेम्परामेंट बाई नेचर इट इज रेडियो एक्टिवेट, इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, तो वहां पर लंग टिश्यूज का इरेडिएशन होता है अल्फा पार्टिकल से, एंड व्हेनेवर आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड सम टिश्यूज आर इरेडिएटेड तो देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ म्यूटेशन एंड ऑल दैट एंड इट फॉर दिस लंग कैंसर। अब ये कह देते हैं कि वो आदमी तो इतने साल से बीडी पी रहा है और उसको कुछ नहीं हुआ। जो लोग इस काम को करते हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए कई तरह के उदाहरण देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, तो उसने तो अभी साल से ही पी रहा है उसको हो गया, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन बेसिकली दैट इज ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, सेल टू सेल, इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल आल्सो। यस Very true. And also it depends कि किसी आदमी का इम्यून सिस्टम कैसा है, उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म देख ही रहे हैं, पेंडेमिक पीरियड चल रहा है which is a very tough time, और पूरी दुनिया क्या करके रख दिया है, तो सब लोग बहुत सारे लोग क्या लगभग बहुत सारे लोग इससे बचे भी रहे हैं और उसका रीजन मैं यही रहा होगा कि भाई उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। सर ये वन At least COVID teaches us a lesson to be healthy. Yeah, very true. और मुझे लगता है कि जैसे कहते ना लोग कि चैलेंज में भी अपॉर्चुनिटी होती है। Yeah. Big challenge against the existence of humanity and all human beings. Yeah. People who are sensible and sensitive, they will just create it into an opportunity and they will take care of health. पहले तो ये जो स्मोकिंग है ये करनी ही नहीं चाहिए। जो युवा विद्यार्थी जो इसकी लत के शिकार हैं, जो अपने बहुत युवा काल में इस बुरी लत के शिकार होते हैं, उनको एक बहुत अच्छा मैसेज है और मैं समझता हूँ कि ये जो आज का हमारा ये कार्यक्रम है ये एक चेन रिएक्शन के रूप में होना चाहिए। आपकी कहीं यही पे नहीं रुकनी चाहिए। आपने जो बात कही है विद्यार्थी और अध्यापक साथी जो इसमें भिन्न भिन्न महाविद्यालय काउंसलर इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें आज के इस कार्यक्रम में तो आपको पता ही है कि मुख्य भूमिका हमारे यूथ रेड क्रॉस काउंसलर डॉक्टर जयपाल सिंह, डॉक्टर मिस्टर सुभाष और मिस्टर लवकेश की रही है। तो ये जो भी और विद्यार्थी और अध्यापक जुड़े हैं वो इस मैसेज को दूर तक लेके जाएंगे और अपने साथियों को कहेंगे कि जो नहीं पीते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्मोक करते हैं उनको जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। और कई बार साथी को आपको इंसिस्ट भी करना पड़ता है, उसको मनाना पड़ता है, दृढ़ता से मनाना पड़ता है। और मैंने देखा है अपने जीवन में ऐसी बात कि यदि मित्र के रूप में
अधिकार से यदि आप किसी दूसरे मित्र को अपनी बात कहते हैं और समझाते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले को वो बात समझ में आती है। तो वैसे तो हर वर्ष ये नो टबाको डे आता है और मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि ये जो दिवस क्यों मनाते हैं, डेज विच इज सेलिब्रेट दे आर अवेयरनेस डेज, जागरूकता दिवस इनको हम कहते हैं। और ये जागरूकता कार्यक्रम है जो पूरे देश में आज चलाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में डिफरेंट डिफरेंट जो IRC इकाई है, NSS की इकाई है, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, सब नो टबाको डे को एक बहुत ही विशाल रूप में और इसकी गंभीरता को समझते हुए पूरे देश में क्या पूरे देश में इसको मना रही है। और भिन्न भिन्न जो वक्ता हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानते हैं, वो अपने अपने वक्तव्य लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि लोग इसकी गंभीरता को समझें, इसको दुष्प्रभावों को समझें और इस बुराई से बचे हुए अच्छी बात है, और जो नहीं बच पाए हैं उनको लत से छुड़ाएं, इस लत को दूर करें ताकि हम एक अच्छी और सुदृढ़ और सुरक्षित और सशक्त सोसाइटी की कल्पना कर सकें जो कि तंबाकू के सेवन से फ्री हो। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ कि जब पता है कि भाई तंबाकू जो है वो तंबाकू स्मोकिंग कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, चाहे वो सिगरेट की डब्बी है, चाहे वो कोई भी तरह का टॉक्सिंग एलिमेंट के जो पैकेज है उन पे लिखा रहता है, तो सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी है मुझे जो आज तक समझ में नहीं आता है कि इन पे कंप्लीट बैन क्यों नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक सोचने का विषय है जिस पर मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, निश्चित रूप से वो सोचेंगे इस बात को कि जब ये बुराई है, एक सामाजिक बुराई है जो परिवारों को बर्बाद कर देती है, जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है और जो समाज को एक कोड के रूप में लगी हुई है, तो ऐसी यदि कोई नीति बन सकती है कि भाई ये तंबाकू का प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस बुराई से जल्दी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन ये जो जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं जो पूरे देश में चलाए जा रहे हैं, जिसमें आज डॉक्टर सुमित ग्वालियर से हमारे साथ सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने अनमोल वचनों से हमें बताया कि भाई तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखा है हमने जब आप एड्स देखेंगे टेलीविजन पे और उस पे, तो जो तंबाकू के दुष्प्रभावों के कारण जो व्यक्ति शिकार होते हैं उनके मुंह की अजीब सी शक्ल हो जाती है, उनकी अजीब सा मुंह हो जाता है, और डॉक्टर्स जब उनके ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं कैंसर सेल्स को निकालने के बाद, तो एक अजीब सा दृश्य क्रिएट हो जाता है। सब लोग समझते भी हैं और उस समय जब उसको देखते हैं तो उस समय उनके मन में भी आता है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे दिमाग पर जो उन बातों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम समय के लिए रहता है, और जैसा आपने बताया कि क्योंकि साइकोलॉजिकली मेंटली आदमी इसके दुष्प्रभाव की एक जकड़ में ऐसा आ जाता है कि उसको जब तक ना मिले तो उसको छोड़ता नहीं है। आप तो जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स में और उसमें जब आपके MBBS की जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है उसमें आपने देखा है, तो इस सब कुछ होने के बावजूद भी कि पता है कि भाई ये बहुत ही घातक है, फिर भी आदमी जिसको लत लग जाती है वो छोड़ता नहीं है आसानी से। लेकिन मैं फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये जो आज अवेयरनेस ड्राइव पूरे विश्व में चलाई जा रही है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है और तंबाकू का सेवन अपने यार दोस्त मित्रों को सगे संबंधियों को नहीं करने देना है, यदि दोनों चीजें हम अपने उसमें रखें और एक संकल्प हम लें तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर समाज की निर्माण की परिकल्पना कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः डॉक्टर सुमित को बधाई देता हूं और yes, देता हूं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे जो महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं मिस्टर सुभाष, उनकी रिक्वेस्ट को उन्होंने मेरे यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी आपसे, मैंने और आपने अपनी बातें हम विद्यार्थियों के साथ हमारे शिक्षक साथियों के साथ। डॉक्टर सुमित, ये पैन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, ये जो हमने जो नोटिस था पूरे पैन मैं अपने प्रिंसिपल साथियों को बच्चों को दिया, तो आप देखते हैं कि काफी सारी संख्या में इसमें विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े हैं और उन्होंने आपको सुना है, आपकी बातों को सुना है। तो जो वे है आज की इस वेबिनार से, तो उसमें वो यही है कि भाई तंबाकू का सेवन नहीं करना है और तंबाकू का सेवन नहीं करने देना है। और एक बार मेरी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई मिस्टर सुभाष, मिस्टर लवकेश और डॉक्टर जयपाल सिंह को, जो हमारे यूथ थ्रेड के काउंसलर्स हैं जिन्होंने
सोचा है इस बारे में कि भाई नो टोबैको डे पे कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, और उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। तो मैं डॉक्टर समित मैं आपसे भी साझा करना चाहता हूँ कि जो यूथ रेड क्रॉस हमारी जो तीन इकाई है हमारे महाविद्यालय में, और ये जो विद्यालय है ये 1971 का महाविद्यालय है जी सर, तीनों रेड क्रॉस काउंसलर अपने यूथ रेड क्रॉस वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के समाज में बुराइयों के लिए और इस तरह की जो एडिक्शंस हैं इनको डीएडिक्ट करने के लिए समय समय पर बहुत सारे कार्य है अपने महाविद्यालय के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से, आसपास के इलाके में और कई सारे गांव हमने अडॉप्ट किए हुए हैं यहाँ पर, जाकर लोगों को भी जागरूक करते हैं और उनको बताते हैं कि भी इनसे आपने छुटकारा पाना है। इसके अलावा ये ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं गाँवों में और इधर उधर, और जैसे मेमोग्राफी चेकअप कैंप्स है, इस तरह के जो कैंप है, क्योंकि बेसिकली मिस्टर सुभाष हमारे यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम के भी कोऑर्डिनेटर हैं, और आउटरीच का मतलब मैं मान के रीचिंग द अनरीच्ड, कि जहाँ कोई नहीं पहुंच रहा है, जिसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है वहां पर जाकर वो सुविधा देनी है। और व्यक्तिगत रूप से हमारा अग्रवाल कॉलेज का जो उद्देश्य है वो है मानव सेवा माधव सेवा। यदि आप इंसान की सेवा करते हैं, यदि भगवान के बनाए हुए मानव की इंसान की सेवा आप करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान की ही सेवा होती है। फिलोसफी के साथ हमारी जो महाविद्यालय में यूथ रेड क्रॉस यूनिट्स हैं वो कार्य करती हैं, और पूरे साल कोई ना कोई कार्यक्रम हम इस बारे में करते रहते हैं। तो एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत, धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि कोरोना का जो ये संक्रमण ये चल रहा है, इसमें डॉक्टरों को आप इतने प्रसन्न हैं और इतने स्वस्थ चित्त आप प्रतीत होते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। कभी से भी जब समय मिलेगा, जब आपका इधर आना हो फरीदाबाद की, आपका स्वागत है, स्टैंडिंग इनविटेशन है कि आप विद्यालय में आए, और डेफिनेटली सर, डेफिनेटली व्यक्तिगत रूप से आप विद्यार्थियों से मुखातिब हो, और जो भी आपने किया है उसे जितना भी फायदा आप समाज को, विद्यार्थियों को, अध्यापकों को पहुंचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसका भी हमें लाभ मिले, ऐसी मैं आपसे इच्छा रखता हूं। और नाउ वेल टू सुभाष जी, आगे का जो भी कार्यक्रम है उसको कंडक्ट करें। मिस्टर सुभाष, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जैसा कि डॉक्टर साहब के बाद में बहुत सारी जानकारी प्रिंसिपल सर ने हमारे वॉलंटियर्स के साथ और काउंसलर के साथ शेयर की, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में बच्चों को बताया कि कैसे इस लत से हम दूर निकलें, अपने रिलेटिव्स, किथनकिन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन सबको कैसे इस बीमारी से, इस लत से हम दूर लेके जाएं। सर ने बहुत आसान शब्दों में बताया। मैं पुनः डॉक्टर सुमित जो कि ग्वालियर से हमारे बीच आए, और जैसा कि कोरोना वॉरियर हम सब लोग देख रहे हैं, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है, हम्बल रिक्वेस्ट की मैंने, उसके बावजूद जैसे भी टाइम निकाला सर ने, अभी इनकी 6 o'clock पे एक सर्जरी है, इमीडिएट सर्जरी है, सर को डॉक्टर साहब को जाना है, और मैं चाहूंगा कि आगे भी हमारे जी यदि किसी यदि डॉक्टर साहब पे थोड़ा सा टाइम है और किसी विद्यार्थी का या शिक्षक का कोई प्रश्न है तो कोई भी वॉलंटियर या हमारे काउंसलर साथी, फैकल्टी मेंबर्स कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से इससे रिगार्डिंग दिस और एनी ऑर्थोपेडिक कंप्लेंट्स दे कैन अस, तो अपना वो हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि विनीत जी उनको अनम्यूट कर देंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं जी। यस सर, कोई भी विद्यार्थी या शिक्षक साथी यदि प्रश्न पूछना चाहता है। डॉक्टर आरपी शर्मा जी ने शायद सिग्नल दिया है, सब जैसा मैं देख पा रहा हूँ। हाँ विनीत जी, यस सर, मैंने कर दिया सर। ठीक है, पूछो शर्मा जी। वेलकम डॉक्टर सर, अनम्यूट करें अपने आप को। आरपी सर, आरपी सर अपने आप को अनम्यूट करें। ये लिए सर, आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर, जी सर,
शुभ जी, डॉक्टर साहब यादव सर, मैं आपका पहले धन्यवाद करूंगा कि इस पीरियड में आप हमारे यहाँ आए, हमारे कॉलेज अग्रवाल कॉलेज के लिए आपने समय दिया। जी सर। सर मेरे आपसे प्रश्न यह है सर कि हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये सारी जो तंबाकू की जड़ें जो पैदा की हैं, ये गवर्नमेंट पर हम बैन कैसे लगा सकते हैं सर? शुरुआत तो वहीं से है, बीज आपने बो दिया, काटते हम फिर रहे सर, सर, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि भाई इस पर बैन कैसे लगाया जाए, इसका हम क्या उपचार करें सर? जी एक्चुअली दैट इज अंडर द गवर्नमेंट एजेंडा ना, कि अपन मतलब ये है कि पहले एक्चुअली क्या था कि जो ये टोबैको पैकेट्स आते थे, तो टोबैको पैकेट्स में बेसिकली ये क्या करते थे पहले कि टोबैको इज मिक्स्ड विद वो पान मसाला कुछ, और अभी इन्होंने फिर मतलब जैसे वो एक तरह से बेवकूफ बनाने वाला सा काम कर दिया लोगों को कि अभी टोबैको पैकेट अलग से आता है और पान मसाला पैकेट अलग आता है, बट एक्चुअली वो बोथ आर हार्मफुल। मतलब इवन जो पान मसाला पैकेट दैट ऑल्सो कंटेन सुपारी, दैट ऑल्सो कंटेन टार, एंड दैट इज टॉक्सिक फॉर आवर बक्कल म्यूकोजा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड इवन जीआई ट्रैक। तो दीज मतलब आवर पॉलिटिकल पार्टीज और आवर पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर शुड टेक स्टैंड ऑन दिस टू मतलब बुराई का तो तभी खात्मा होगा जब बुराई को जड़ से खत्म किया जाएगा। बेसिक बात तो ये है कि चीज की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो फिर वो चीज आगे प्रोपगेट होगी नहीं। अभी जब जो चीज अवेलेबल होती है तो टीनेज में तो पीयर प्रेशर होता है, टीनेज में तो पीयर प्रेशर होता है बच्चों पे कि वो भाई एक कर रहा है स्मोकिंग तो वो दूसरा उसको प्रमोट कर रहा है स्मोकिंग को, तो वो वाला हो जाता है। हाँ ये चीजें इजिली अवेलेबल नहीं होंगी तो ये चीज नहीं होगी। हाँ कितना डॉक्टर साहब कितना बढ़िया सुझाव दिया कि हम बीज नहीं बोएंगे तो हम उसको खाएंगे कहाँ से। सिंपल वे में था, मैं उनका आभारी हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जड़ पकड़ ली। भाई सरकार बीज बो रही है, मैं सरकार की बुराई नहीं करना चाहता सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसके लिए भी हमको एक ऐसा फंडा तैयार करें जो सरकार को हम सारे युवा ये कहें भाई इसको पैदा मत करो। सोशल मीडिया के थ्रू रिस्पोंडिंग करके हम सोशल मीडिया के थ्रू एक अवेयरनेस जगाएं और जो सो कॉल्ड पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हम लिखें। यूथ जो है सोशल मीडिया आज इतना बड़ा हो गया कि हम गवर्नमेंट को प्रेस कर सकते हैं। दूसरा एक सुझाव मैं दूंगा अमित जी, यादव सर, हम जैसे अगली बार जो मीटिंग करेंगे या जैसे प्रिंसिपल सर ने आपको इनवाइट किया भाई कभी जब मौका मिले तो हमारे यहाँ दर्शन दे कॉलेज में, हम बड़े आभारी होंगे सर, सर, कि हम बच्चों को ढूंढें। यस सर, मेरे पास कॉलेज में ये देख लीजिए 17,000 बच्चे हैं, इनमें से हम अग्रवाल कॉलेज से अगर हम इन बच्चों में से फाइंड आउट करें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एडिक्टेड हैं, ऐसे ही हर कॉलेज इन बच्चों को ढूंढे, हम अपने लेवल पे करें सर। समाज हमारी जो एज है बच्चों की जो हमारे पास है, डॉक्टर साहब जो हमारे कॉलेज का लेवल है वो इसी में बच्चे करते हैं। वो यही फैशन में आ जाते सर। मैंने यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी रहा सर 12 साल, तो वहां पर मैंने जब पहली क्लास आई मेरे पास, मैंने उससे पूछा एक बच्चे से, सर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आप दो अच्छाई बताओ, जैसे टाइम पास करना था थोड़ा सा टाइम पड़ा था, दो अच्छाई बताओ और दो बुराई बताओ। तो एक बच्चे ने बताया सर मैं ड्रिंक करता हूँ, क्लियर बता दिया सर उसने। उसके बाद उस बच्चे का मैंने रोल नंबर नोट किया, ऐसे तीन बच्चे थे, तीनों को मैंने बाद में बुलाया, आप मुझसे बाद में मिले, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आपका बहुत बढ़िया बेटा जो आपने बात बताई। और एक दिन ऐसा आया सर, मैं उनको बुलाता रहा बताता रहा कि भाई ये बहुत बैड हैबिट है, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चा मुझसे एक दिन मिला और कहता सर मैंने ड्रिंक छोड़ दिया है, मैंने कोई दवाई नहीं दी, उसको हेट पैदा कर दी। मतलब सर इन डी एडिक्शन मेन रोल ऑफ इज काउंसलिंग, मतलब नो मेडिकेशन और नथिंग, मेडिकेशन और ऑल थिंग्स वर्क्स ऑन वेरी सीरियस नोट व्हेन द पर्सन इज एडिक्टेड ऑन फिजिकली। तो अमित जी मैं यही चाहता हूँ कि हम अपने कॉलेज लेवल पर, मैं एक सुझाव दूंगा कि हम उन बच्चों को ढूंढें कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो एडिक्टेड हैं और उनको काउंसलिंग करें, इससे बढ़िया मेरा सुझाव कोई नहीं होगा सर। और आपका मैं बार बार, और प्रिंसिपल सर जो एक्टिविटी करते हैं सर वो आपको देखने लायक होगी, आज कितने हम जुड़ रहे हैं है? आप ये देखते रह जाएंगे जब आप आएंगे विद्यालय में, ये A++ है सर कॉलेज।
सर, हमें प्राउड होता है इस कॉलेज पर सर, और ऐसे प्रिंसिपल पर जो इतनी एक्टिविटी देते हैं हमें। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर शिवानी। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम रिस्पेक्टेड काउंसलर्स एंड वॉलंटियर्स? इंक्वायरी फ्रॉम वॉलंटियर्स? सर ने पूछा कोई वाईआरसी वॉलंटियर या हमारे फैकल्टी मेंबर्स या काउंसलर कोई पूछना चाहे अपने लिए ना सही, कम से कम अपने अपने गली मोहल्ले पड़ोस में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे रिगार्डिंग आप पूछना चाहें कि वो लत लग गई है। योर क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज डॉक्टर सुमित को अभी सर्जरी के लिए जाना है। मैं चाहूंगा प्रिंसिपल सर से इजाजत लेना चाहूंगा हमारे प्राचार्य महोदय से कि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब का टाइम बड़ा कीमती है, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं, इसको प्लेज भी दिलवा के सभी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू डॉक्टर स्मिथ। और जी जी सर, हाँ प्लेज से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे कोई और काउंसलर साथी कॉलेज से या किसी साथी अदर कॉलेज से कोई अपने विचार शेयर करना चाहे इससे रिगार्डिंग। इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, कोई भी यदि अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। इट्स ओपन प्लेटफॉर्म फॉर हेल्दी डिबेट सर। यस यस ऑफ कोर्स। यस सर, एनी वॉलंटियर? We are waiting for response. जी सर, आपकी परमिशन चाहूंगा मैं प्लेज के लिए। जी जी जी। Now we have to pledge on the occasion of World No Tobacco Day. सभी मेरे काउंसलर साथी, मेरे फैकल्टी मेंबर्स और वॉलंटियर्स हम सब मिलके प्लेज लेंगे, आज शपथ लेंगे नो टोबैको डे पे। आई प्रॉमिस टू नॉट स्मोक और यूज एनी टोबैको प्रोडक्ट्स नाउ एंड फॉर एवर। इन एडिशन आई विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम पैसिव स्मोकिंग विच इज अ डेंजर टू आवर हेल्थ। आई विल डू माई बेस्ट टू एनकरेज people who do smoke or use tobacco products to quit smoking and using tobacco products, and will do my best to support them as they try to quit. That's the pledge. Thank you sir. Feedback link share kar diya gaya hai group mein, feedback link jo hai share kar diya gaya hai, jo log जो वॉलंटियर्स या हमारे काउंसलर साथी फीडबैक लिंक फिल करेंगे उसके बाद हम सर्टिफिकेट्स जनरेट करेंगे। जो भी शिक्षक साथी और वॉलंटियर्स इस वेबिनार में हैं उनको फीडबैक लिंक भरना जरूरी है। फीडबैक लिंक जब भरेंगे, सबमिट करेंगे, तभी उनकी अटेंडेंस मानी जाएगी। अटेंडेंस मानी जाएगी उनके। जी सर। विनीत, मिस्टर विनीत। यस सर, यस सर, सर शेयर कर दिया सर। तो शेयर कर दिया सर, सभी को शेयर करना कंपलसरी है। जो फीडबैक लिंक भेजेंगे उन्हीं की अटेंडेंस मानी जाएगी ना। यस सर, यस सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेयर इट एंड इट विल रिमेन ओपन फॉर 10 मिनट्स। यस सर, 10-15 मिनट्स। 10-15 ओके, 15 मिनट्स इट विल बी ओपन। ओके, दैट्स गुड। सो
सुभाषी और बताइए कुछ कहना है या अब इसको आप आदेश करो सर। ठीक है इसकी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगा। हाँ हाँ यस सर बताइए बताइए। इसके बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगा, जैसा कि हम वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, WHO ने 1987 में वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करने के लिए एंटायर वर्ल्ड में एक मैसेज दिया और 1988 से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा जो एडवर्टाइजिंग है, हम रैपर्स पे देख रहे हैं स्मोकिंग के या ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। बावजूद इसके जिसको जो व्यक्ति इसका एडिक्टेड हो चुका है, जिसको लत लग चुकी है, फिर भी जानबूझ के लोग इसको करते हैं। तो बीइंग अ यूथ रेडक्रॉस काउंसलर और मेरे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने गली मोहल्ले नजदीकी जो लोग इस चीज के एडिक्टेड है उनकी काउंसलिंग करें बैठ के, चाहे वो अपने से बड़ा ही है, ऑलमोस्ट बड़े ही लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एल्डर एज में ही हैं लोग, उनको समझाओ, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब से वीडियो दिखाओ कि ये कैंसर का कारण बना, या कोई भी सोशल मीडिया पे आप देखते हो अखबार की कटिंग या फेसबुक व्हाट्सएप पे कि भी स्मोकिंग से ये हुआ और ड्रिंकिंग से ये सब चीजें हुई, ये सब बेसिस हमारे यूथ रेडक्रॉस वॉलंटियर्स जो है हमारे समाज में देंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्लोली स्लोली हम इस बीमारी, और मैं तो कहूंगा ये महामारी है, इस पे काबू पा पाए। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रिंसिपल सर डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, माय कलीग्स वाईआरसी काउंसलर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, माय डियर वॉलंटियर्स एंड मोस्ट सपोर्टिव आवर टेक्निकल सपोर्टर डॉक्टर विनीत नागपाल जी, जिनके बगैर ना ही कल हम सर के आदेश के बाद आनंद फानंद में बहुत कम समय में हम इस कार्यक्रम को एक नया मुकाम दे पाए जो पॉसिबल हो पाया। तो अगर मैं डॉक्टर विनीत नागपाल का जिक्र इस वेबिनार में ना करूं तो ये एक मेरी बड़ी भूल होगी। डॉक्टर विनीत नागपाल जी का भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ, और समय समय पे प्राचार्य महोदय हमें मोटिवेट करते रहते हैं और अलाउ करते रहते हैं कि भी जो करना है आप लोग करिएगा, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई सोशल मैसेज देना है, हम इस चीज़ के लिए प्रिंसिपल सर के भी आभारी हैं जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के हमारे लिए संदेश दिया, हमारे वॉलंटियर्स के लिए, साथियों के लिए। वन मोर क्वेश्चन सर, वन दिस एंड आकाश झा, आकाश जी अनम्यूट किया मैंने आपको, यस। गुड इवनिंग प्रिंसिपल सर, गुड इवनिंग ऑल टीचर्स सर। जैसा सर प्रिंसिपल सर ने बोला और आरपी शर्मा सर ने भी बोला, सर मेरा क्वेश्चन भी वही था कि मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर रही है तंबाकू एंड ऑल, ऐसी क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की। लेकिन सर ये क्वेश्चन सिर्फ पूछते रहने से मुझे नहीं लगता सर कुछ डिफरेंस होने वाला है। तो सर मैं चाहता हूँ, मतलब मैं सजेशन तो नहीं दे सकता सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी को तो कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस। तो सर अगर ऐसा हो सके कि हम अपने कॉलेज से स्टार्ट करें प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट, तंबाकू के अगेंस्ट नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, टू बैन दिस तंबाकू। गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं, जो योजनाएं बनाई जाती है। हाँ, गवर्नमेंट कोई व्यक्ति नहीं है, गवर्नमेंट एक संस्था है। तो जैसा सुभाष जी कह रहे थे कि भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आज नो टोबैको डे है तो आप इंडिपेंडेंट हैं, सक्षम हैं और वयस्क हैं, 18 से ऊपर के हो चुके हैं, तो आप सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं इस बात को नो टोबैको डे के उस पे। और जब एक विद्यार्थी लिखेगा, एक से एक 11 होंगे, फिर 111 होंगे, फिर 1111 होंगे, इस तरीके से चीज जाएगी और ये एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। बट समवन हैज टू टेक इनिशिएटिव एंड आकाश जी कैन बी द इनिशिएटर फॉर दैट, यू कैन डू इट अलोंग विद योर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। Any other volunteer? Deepak, Mr. Deepak? Vinit sir, Mr. Deepak is... Deepak, unmute करें अपने आप को।
यस सर, कर लिया अनम्यूट। सर ये कह रहा था गवर्नमेंट का अगेंस्ट तो हम कर नहीं सकते, इस प्रिंसिपल सर सही कह रहे हैं, पर जो हमारे आसपास की दुकानें हैं जैसे, पर उस पे जाके हमारे छात्र रोज तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं सर, डेली मैं देखता हूँ वहाँ पे, जाता हूँ आसपास, ये काम हो रहा है सर वहाँ पे। आसपास तो हम कर ही सकते हैं सर, कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में, 500 मीटर दायरे में। दीपक इतना भी करते हो, इतना भी साहस जुटाते हो, तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। हेलो, या हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ दीपक बोलिएगा। ये पूछ रहा सर, हम कॉलेज के आसपास तो कर सकते हैं 200 मीटर 500 मीटर के दायरे में। या यहाँ तक अपने साथ भी दायरे को कह सकते हैं। यस सर, पॉलिसीज की बात है, सरकार के नियम है कि भी कोई भी शिक्षण महाविद्यालय या विद्यालय है उसके इतने मीटर के दायरे में कोई इस तरह की दुकान या शॉप नहीं होगी। अच्छा, और प्रशासन कोशिश भी करता है कि में ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी मित्र साथी कॉलेज के विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं, ये भी आपकी एक। यस सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। रजत इज आल्सो रेजिंग हिज हैंड। मिस्टर रजत, रजत ने हैंड डाउन कर लिया शायद। या ये अनम्यूट कर दो उनको, हैंड तो रेज करके डाउन करेगा ही। मिस्टर रजत सर वो मीटिंग में ही शायद आउट हो गए हैं। ओके, फीडबैक पढ़ने में लग गए होंगे। यस यस सर, एनी अदर क्वेरी फ्रॉम चलिए शुड वी कॉल इट। Ah, yes, you can, because if there is no query, it's better to close it. I heartily thankful to our principal sir, our faculty members, YRC counselors from different universities and colleges, and dear volunteers for successing our today's webinar. Thanks a lot once again. Thank you, everyone. Thank you all the YRC volunteers, counselors, teachers. Thank you, sir. With all the best. Thank you. For your motivational message, thank you, sir. Thank you. जिन participants ने अपना feedback form fill नहीं किया है, वो अपना feedback form fill कर दे। अभी मैं विनीत नागपाल सर से गुजारिश चाहूंगा कि अभी इसको 5 minutes के लिए और okay, sir. open। Yes, sir.
त्रिमेश मैडम, फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में है, एक बार वहां देख के आप फिल कर दीजिए प्लीज। हेलो विनीत सर, और वेट किया जाए क्या? क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ और वेट किया जाए थोड़ी देर के लिए क्या? एक दो मिनट वेट करें सर, एक दो मेरे पास क्वेरीज आई हैं फीडबैक फॉर्म के लिए, फिल नहीं कर पा रहे, मैं दो मिनट में करता हूँ सर, एक मिनट होल्ड करें। ये जिन पार्टिसिपेंट्स ने फीडबैक फॉर्म फिल कर दिया है वो प्लीज मीटिंग से क्विट हो जाएं। कौन जाओ भाई? कौन जाओ भाई? कौन जाओ भाई? कहीं कौन नहीं हो? क्या करें?